तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो पैरेलल कंप्यूटेशन बेसिकली दो फील्ड्स में यूज़ होता है, रोबोटिक्स एंड इमेज प्रोसेसिंग, और इसके अलावा भी कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पे पैरेलल कंप्यूटेशन यूज़ होता है। अब हम बात कर लेते हैं बेसिक आइडिया की। तो दो तरीके हैं किसी भी चीज़ को कंप्यूट करने के। पहला तरीका है कि सिक्वेंशियल कंप्यूटेशन करें, दूसरा तरीका है कि पैरेलल कंप्यूटेशन करें। तो जो पहले जो होता था वो सीक्वेंशियल कंप्यूटेशन होता था, डेट इज़ कि हमें कोई प्रॉब्लम P1 सॉल्व करनी है तो मैं उसे प्रोसेसिंग यूनिट PU को दूंगा, वो PU यूनिट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी और हमें सॉल्यूशन S1 प्रोवाइड करेगी। जबकि पैरेलल कंप्यूटेशन में क्या होता है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम P1 को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसमें उसकी कौन कौन सी सब प्रॉब्लम्स जो हैं जिन्हें हम इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम उसके हिसाब से डिवाइड कर देंगे P11, P12, P13 की फॉर्म में, और फिर उसके बाद इन सब यूनिट सब प्रॉब्लम्स को हम प्रोसेसिंग यूनिट 1 को, प्रोसेसिंग यूनिट 2 को और प्रोसेसिंग यूनिट 3 को देंगे। अब ये सारी प्रोसेसिंग यूनिट अपने करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन देंगी, और बाद में इन सभी सॉल्यूशंस को जब हम ऐड करेंगे तो हमें गिवन प्रॉब्लम के जो मेन सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमें पैरेलल कंप्यूटेशन की क्या मतलब पैरेलल कंप्यूटेशन से हमें क्या फ़ायदा है। पहला कि हमारा जो टाइम है वो सेव होता है, क्योंकि यहाँ पे हम सेम वर्क को डिवाइड करके मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स को दे रहे हैं। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये सारे प्रोसेसिंग यूनिट जो हैं वो एक ही कंप्यूटर के CPU में होते हैं, हम एक्चुअली उनका यूटिलाइज नहीं करते उन प्रोसेसिंग यूनिट का। ये प्रोसेसिंग यूनिट रिसोर्सेज भी हम इन्हें कह सकते हैं कि वेजेस रिसोर्सेज जो हमारे जिन्हें हम यूज़ नहीं करते। अगर हम एक सिक्वेंशियल पाथ फॉलो करेंगे, डेट इज एक प्रॉब्लम को लेंगे पी प्रोसेसिंग यूनिट किसी एक प्रोसेसिंग यूनिट को देंगे, फिर उस पर वो प्रॉब्लम P1 मतलब उस प्रॉब्लम को हम किसी एक प्रोसेसिंग यूनिट को देंगे, फिर उसका एक सॉल्यूशन आएगा और बस ऐसे ही करेंगे, तो हम इतना एफिशिएंटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रादर हमारी जो दूसरी दो चीज़ें हैं वो सिर्फ वेस्ट ही चली जाएंगी, दो प्रोसेसिंग यूनिट। तो अगर हमें एफिशिएंटली चीज़ों का यूटिलाइज करना है या हमें अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एफिशिएंटली फाइंड आउट करना है तो हमें उसे सब पार्ट्स में तोड़ना होगा और उसे डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट को देना होगा ताकि वो उसका एक गिवन सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। तो पहला टाइम सेव करती है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ईजी हो जाता है पैरेलल कंप्यूटेशन के थ्रू, उन्हें इजीली और एफिशिएंटली हम सॉल्व कर सकते हैं। और थर्ड है कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी का मतलब ये है कि हम कॉन्करेंटली एक प्रॉब्लम को सब पार्ट्स में तोड़कर हम उनको पैरेलली हम प्रोसेस करवा सकते हैं, दैट इज कॉन्करेंसी। देख यहाँ पे हमने P1 को तोड़कर P11, P12, P13 प्रॉब्लम्स में तोड़ लिया है, और अब हम इन्हें इंडिपेंडेंटली और कॉन्करेंटली दैट इज एक साथ तीन अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस करवा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जो कि जब हमारे कंप्यूटर जब इंट्रोड्यूस हुए थे उसके बाद जो पहला आर्किटेक्चर दिया गया था वो वॉन न्यूमैन सर ने दिया था, जिसमें 5 यूनिट्स थी। पहली इनपुट यूनिट, दूसरी ALU, तीसरी मेमोरी, चौथी कंट्रोल यूनिट एंड पांचवी आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का काम इनपुट प्रोवाइड करना, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट का काम अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, मेमोरी का काम है कि जो भी उस इंस्टेंट ऑफ टाइम में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उन्हें वहाँ पे सेव करके रखना, और कंट्रोल यूनिट का काम है रीड एंड राइट जैसे सिग्नल्स को प्रोवाइड करना ताकि सारे ऑपरेशंस एफिशिएंटली परफॉर्म हो सकें, और बाद में आउटपुट यूनिट का काम है आउटपुट को डिस्प्ले करवाना। पैरेलल कंप्यूटेशन को अगर हम रियल लाइफ में देखना चाहें तो हम कुछ इस प्रकार देख सकते हैं कि मान लो कि हमें एग्ज़ाम के लिए 6 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एक अप्रोच तो ये हो सकती है जो कि हम सिक्वेंशियल अप्रोच जिसे कहेंगे कि हम 6 के 6 सब्जेक्ट्स को खुद से प्रिपेयर करें, और एक कंस्ट्रेंट ये ले लेते हैं कि हमें 1 मंथ का टाइम दिया गया है उसे प्रिपेयर करने के लिए। तो एक अप्रोच ये हो सकती है कि उन 6 की 6 प्रॉब्लम्स को मैं खुद से सॉल्व करूं, या सेकंड अप्रोच ये हो सकती है जो कि पैरेलल अप्रोच है कि पहले 2 सब्जेक्ट्स मैं खुद सॉल्व करूं माई सेल्फ, बाकी के 2 सब्जेक्ट्स मैं अपने किसी एक फ्रेंड को दे दूं, और जो 2 सब्जेक्ट्स और हैं वो मैं अपने किसी एक दूसरे फ्रेंड को दे दूं, और
ये सब हम आपस में डिसाइड करते हैं कि हम 20 दिन के अंदर ये सारे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे और बाद में हम लास्ट के 10 डेज में हम तीनों एक जगह गैदर होंगे और हम सब आपस में वो एक दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से पढ़ लेंगे। इस तरीके से कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से हम ये 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़कर एग्ज़ाम में जा सकते हैं और अच्छे खासे नंबर स्कोर कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम फिनोमिना यहाँ पे पैरेलल कंपटीशन में होता है कि हम चीज़ों को डिवाइड कर फिर उन्हें कॉन्फिडेंटली प्रोसेस करके हमें लास्ट में हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है उसे अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्लिंस क्लासिफिकेशन।